हम बिहार के दरभंगा जिला से विशेष कवरेज लेकर आ रहे हैं। मैं हूं जगजीत, आप देख रहे हैं विशेष कवरेज भारत समाचार पर। शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करिएगा। आपको बता दें कि अनलॉक 1, 2, 3 जो जैसे ही आया, लोगों को बताना पड़ा कि मास्क पहनकर निकलिएगा और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रहिएगा। बहुत सारे ऐसे लोग, खुद मुख्यमंत्री ने माना कि अभी भी 10% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो मास्क बिना घूम रहे सड़क पर और शहर में। आपको बता दें ऐसे में दरभंगा के कलेक्टर एस एम त्यागराजन अपने आदेश देते गए और उन्होंने जो आदेश दिया है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। आपको बता दें कि पूरे बिहार से लेकर दरभंगा जिला में भी लगातार कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर सप्ताह में केवल 5 ही दिन दुकानें खुलेंगे। शनिवार एवं रविवार को सभी दुकानें बंद रहेंगी। सरकार की ओर से ऐसा इसीलिए किया गया है कि ताकि बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण को काबू किया जा सके। ऐतिहासिक ये फैसला है और कोरोना वायरस कहीं ना कहीं लोगों को झकझोर दिया है। चारों तरफ लोग परेशान हैं और आपको बता दें ऐसे में जो आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं दुकानदार, ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा रही है प्रशासन के द्वारा। उनके दुकान को सील किया जा रहा है, उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। और बता दें इसके तहत नियम लागू होते ही अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी दुकानों को बंद करवा दिया गया है। हालांकि कुछ इलाकों में जानकारी के अभाव में कुछ दुकानें खुली होने की सूचना पाई गई थी, जहां पुलिस पहुंचकर उन दुकानों को बंद करवाया है एवं हाल के जो दुकानें नहीं खोली हैं इसको लेकर पुलिस भी गलती करती रही है ऐसे दुकानों को बंद करवाने के लिए। आपको बता दें कि सप्ताह में दो दिन दुकान शनिवार एवं रविवार को बंद रहने की बातों पर कई दुकानदारों से जो बात हुई है वो आगे हम आपको दिखाएंगे। विशेष कवरेज देखते रहिए। हालांकि दुकान तो बंद जरूर देखी गई, लेकिन सड़कों पर सभी गाड़ियां धरने से चलती हुई नजर आई हैं। लेकिन क्या करिए, आज से जो दो दिनों के लिए जो लगाया गया प्रत्येक सप्ताह में शनिवार और रविवार दुकानें बंद रहेगी, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा निर्णय है दरभंगा प्रशासन का, जो है ना, बहुत अच्छा डिसीजन है और चाहेंगे कि इस सिलसिला को बढ़िया से प्रशासन रखे। बस हम लोग पर ध्यान दे दे, इतना दिन बंदी हुआ 5 महीना हम लोग भुखमरी में जी रहे हैं, कुछ खर्चा पानी मिल जाता है, राहत मिल जाए, जो बात है बंदी का, जो बंदी है सब जनता सुखी रहे अपने घर में, बहुत अच्छा बात है। लेकिन हम लोग पर भी जो असर हो रहा है उस पर भी ध्यान दिया जाए। किस तरह का व्यवसाय है? जनरल स्टोर। आप लोग बंद किए हुए हैं लेकिन फैसला का समर्थन कर रहे हैं? जी, देखते पूरा एकदम प्रभाव पड़ गया, हम लोग तो बर्बाद हो गए लॉकडाउन के चक्कर में। कभी कहता है संडे 3 दिन खुलेगा, कभी कहता है रविवार शनिवार बंद रहेगा, एकदम पूरा हम लोग का बिजनेस एकदम ठप हो गया। हम लोग लेबर क्लास के आदमी हैं, कारीगर हैं, क्या खाएंगे हम लोग, सब टेंशन रहता है। तो शनिवार जो रविवार बंद रखा गया तो इसमें आपको दिक्कत महसूस हो रहा है? बहुत ज़्यादा, पर्व त्यौहार का दिन है, ऐसे दुकान दौड़ी चलेगा नहीं तो क्या करेंगे हम लोग। लेकिन ऐसा जो फैसला लिया गया है, कोरोना का जो बढ़ रहा है संक्रमण अधिक, इसी को लेकर बात सही है, कोरोना के चलते बंद है वो भी बात सही है, लेकिन हम लोग तो भाई रोज डेली कमाने वाला, डेली खाने वाला आदमी है, हम लोग को तो और दिक्कत हो गया। आदमी है, कमाने खाने आदमी है, डेली कमाने खाने के आदमी हैं हम लोग। अच्छा, तो ये रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं, हम लोग प्रभाव पड़वे कर रहा है। ये शनिवार और रविवार जो बंद रखा गया तो इससे इसमें बहुत प्रभाव पड़ रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। क्या किया जाए, दिक्कत है आप लोगों को? बहुत दिक्कत है। हम लोग डेली जो खुलता था तो उसी में 2-4 घंटा खुलता था, तो हम लोग कनी मनी इधर उधर कर लेते, आप पूरा बंदिश कर दिया, रोज डेली खाने कमाने खाने वाला तो बहुत प्रभाव पड़ रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग लेबर कॉस्ट के आदमी, जैसे क्या कुछ दिक्कत हो रहा है हम लोग? दिक्कत यही है कि दुकानदारी बंद है तो हम लोग का कमाई भी बंद हो गया, हम लोग लेबर आदमी है, कमाएंगे ना तो खाएंगे कहाँ से, सरकार इसकी कोई भरपाई नहीं कर रही है। किस इलाके की दुकान है ये? ये बाकरगंज लरिया सराय। फैसला जो भी हो सरकार का सही होगा और बिजनेस पे तो प्रभाव पड़ता ही है, नहीं पड़ने का सवाल ही नहीं है। इस हिसाब से ये महामारी चल रही है ज़्यादा तो सही है।